हाय व्यूवर्स, आज मैं मेरा कश्मीर के ट्रिप का कुछ ऐसे बात बताने वाली हूँ जो अगर आप फ्यूचर में कश्मीर का ट्रिप बना रहे हैं और उससे कैसे यहाँ पर जो स्कैम्स हो रहे हैं कहीं कहीं जगह पे उससे आपको बचा सकता है। पहले पहले दिन का हमारा स्कैम था। हम चले गए थे सोनमार्ग में। सोनमार्ग में ताजीवाशी ग्लेशियर कह के है, वो एक व्यू पॉइंट है। जब हम श्रीनगर से सोनमार्ग के लिए निकले तो हमारी गाड़ी से हम निकले, वहां से जब सोनमार्ग से वो ताजीवाशी ग्लेशियर जाना था, वहां तो हमें पोनी पे ही जाना है, मतलब हॉर्स हॉर्स पे जाना है। जब हम वहां पर पहुंचे, वहां पर तो ऐसे लूट मचा रखी है। एक एक पोनी राइड के लिए तकरीबन 2 किलोमीटर है, उसके लिए एक पर्सन के लिए वो लोग चार्ज कर रहे हैं 6,000 रुपीज। दिस इज टोटली अनफेयर। एंड हमने पूछा, ये तो बहुत नाइंसाफी है, हम नहीं देंगे कहके। तो ऐसे उतर के उतर के वो लोग 2 लोगों के लिए 6,000 के लिए मान गए। तो हम निकल पड़े। एक 10 मिनट भी नहीं हुआ, हमारे पोनी को एक दो तीन लोगों ने पकड़ लिया। तो हमने क्या सोचा, ये यूनियन वाले लोग हैं और हमसे पैसे मांगेंगे क्यों, 6,000 में 10,000 क्यों नहीं कह के। हम तो घबरा गए, पता नहीं था क्या कहना है कह के। तो अपने वो लोकल लैंग्वेज में हमारे पोनी पोनी का जो मेंटर होता है उससे कुछ बात कर रहा था। तो बाद में वो ऑफिसर ने हमसे बात की कि हम कहाँ से आए हैं और हमारा नाम और नंबर सब कुछ नोट कर लिया। तो हमने पूछा, सर क्या हुआ है, क्यों हमारा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कह के। तो उन्होंने बताया, वो सुपरिंटेंडेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट के हैं और हमसे पूछा, आप यहाँ से ग्लेशियर जाने के लिए कितना दे रहे हैं। तो हमने बताया 6,000 इन्होंने मांगा है, तो हम मान गए। तो उन्होंने बताया, वो बहुत हंस रहे थे और बता रहे थे कि पहला जो घंटा होता है उसके लिए 400 रुपये, 400 रुपीज फॉर फर्स्ट 1 आवर, एंड सब्सिक्वेंट 1 1 आवर इट इज 300। सो अभी 5 घंटा आप ले रहे हैं तो ये वो 1,700 होगा। ये लोग मांग रहे हैं 6,000 रुपए। ये कहाँ की बात है, मतलब अगर आपको कुछ अवेयरनेस नहीं है तो चलो, यहाँ पर यहाँ तक आए हैं हम, चलने ही वाले हैं, ऐसा ऐसे ही लोगों को वो पकड़ते हैं और जो भी उनके मन में आता है वो ही अमाउंट वो बताते हैं। तो हमको एक अवेयरनेस आ गई, तो हम चल पड़े ग्लेशियर की तरफ। हम जब लौट के आए तो हमारा 5 घंटा हो चुका था, क्योंकि हमें पता था कितना हमें देना है अमाउंट। तो हमने बताया 4,000 देंगे 2 लोगों का, एक्चुअली 1,700 हुआ था, फिर भी हमने बताया ठीक है 2 लोगों से हम 4,000 देंगे। तो वहां पर तो हंगामा शुरू हो गया, बहुत सारे मतलब 30 से 40 लोग इकट्ठा हो गए और हम पर चिल्लाने लगे। तो हम बाय लक हमारा क्या हुआ था, वो सुपरिंटेंडेंट जो है उनका नाम है मोहम्मद असलम, वो सर का नंबर और नाम मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, क्योंकि सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या लूट मचा रखी है। तो उन्होंने हमें उनका नंबर दिया था, अगर कुछ हो जाए तो हमें उनको फोन करने के लिए। तो हम जब यहाँ पर आए, यहाँ पर तो बहुत सारे फाइटिंग होने लगे, इतना देना है इतना देना है, क्योंकि हमें पता नहीं, हम तो टूरिस्ट है, वो तो लोकल्स हैं, हमारे साथ तो कोई नहीं था, मतलब हमारा ड्राइवर भी उनके साथ खड़ा हो चुका था, तो पता नहीं था क्या करना है। तो हमने क्या किया, वो ऑफिसर को हमने फोन किया, हमने बताया हमारा लोकेशन, सर यहाँ पर हम अटके हुए हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, पता नहीं हमें क्या करना है, हमारा इतना घंटा हो चुका है, इतना हमें देना है उनको कह के। सिर्फ 2 मिनट में वो ऑफिसर अलोंग विथ 5 to 6 पुलिस वो अपनी गाड़ी में आ गए हमारे लोकेशन पे, और उन लोगों से जो भी यूनियन वहां पर था वो झगड़ा कर रहे थे हमसे, उन लोगों से कुछ बात की और उसके बाद वो लोग मान गए 2,000 के लिए एक पर्सन का। तो आप सोचिए आपके साथ क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर आप अवेयर नहीं है और सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो
आप तो वो लोग तो आपको लूट ही लेंगे। तो यहाँ पर आप आ रहे हैं तो कुछ हो रहा है सोनमार्ग में, अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो मिस्टर मोहम्मद असलम है उनका नाम, सुपरिंटेंडेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट के हैं, उनका नंबर मैं दे रही हूँ विथ सर्स परमिशन मैं दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी इसका हेल्प मिले अगर कुछ आपके साथ गलत हो रहा है वहां पे। हम तो बच गए वो स्कैम से, बहुत ही स्कैम है यहाँ पर, वहां पर भी है और गुलमर्ग में भी है और पहलगाम में भी, तो पहलगाम में भी है। पहलगाम में ना अगर आप कुछ भी ना, बेताब वैली, आरू वैली, चंदनवाड़ी, जहां कहीं भी आप जा रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट का लगाया हुआ एक बोर्ड है और एक टैक्सी स्टैंड है, जो गवर्नमेंट ने बताया है ये पॉइंट के लिए इतने घंटे के लिए कितना देना है आपको, उसी के हिसाब से आपको चलना है, मतलब आप बच जाएंगे। नहीं तो ये लोग बोलेंगे चलिए मैम हम चलते हैं, घोड़े पे चलते हैं, ऐसा होता है ऐसा होता है, क्योंकि आपसे 5 से 6 हजार मांगेंगे, जो आपको पोनी पे बैठना है उसके ऊपर, मतलब धूप में चलना है, अपना लगेज आपको ही आपके पीछे लगाना है। क्यों ऐसे खतरे में, मतलब अगर हमारे पास कंफर्ट है, कंफर्ट मिल रहा है कहीं पे, वो भी अच्छे रेट में आपको मिल रहा है, क्यों हमें पोनी पे जाना है अपने लाइफ रिस्क में डाल के। तो यहाँ पर अगर आप पहलगाम आ रहे हैं, पहलगाम में थोड़ा बहुत ओके है, यहाँ पर गवर्नमेंट का दिया हुआ टैक्सी स्टैंड है, वहां पर गवर्नमेंट का ही रेट है, उतना ही देना है। अगर आप एक्स्ट्रा भी ले रहे हो आवर, 1 घंटा या 2 घंटा अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा का वो ही कैलकुलेट करके बताएंगे, उतना ही आपको देना है। तो अगर आप कश्मीर का प्लान कर रहे हैं, ये वीडियो आपको बहुत 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 काम आने वाली है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।